यहाँ पर हम लोग 50 दिन से फंसे हैं, ना हमें खाने को मिल रहा है, ना यहाँ की सरकार हमें कोई सुविधा दे रही है। अभी हम लोग गए थे SDM साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि शाम को आइए। कभी भी आते तो बोलते हैं अभी कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। कई बार चक्कर यहाँ पे लगा चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया, यहाँ पे ला के लिखित रूप से भी हम लोगों ने फॉर्म भर दिया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कृपा करके अगर हमें अगर कोई व्यवस्था दी जाती है, चाहे यहाँ की सरकार हमारी यूपी सरकार से बात करे, चाहे यूपी सरकार इनसे बात करे, पर हम लोग को हमारे घर दे दिया जाए, हमारे माँ बाप के पास भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रहने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि खाने को मिल नहीं रहा है, तो भूखे पेट कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पे घर पे हमारे माँ बाप रो रहे हैं, यहाँ बैठ के हम लोग रो रहे हैं। कितना दिन हुआ इधर में? जब 50 दिन हो गए हम लोग को बैठे हुए। किस लिए आया इधर पे? इधर हम लोग काम करने के लिए आया था, और जब इधर से आया तो 22 मार्च को जब बंद हुआ था, जब से हम लोग इधर बैठे हुए हैं, ना पैसे है हमारे पास है और ना खाने को मिल रहा है। कितने लोग हैं? कम से कम 50 से 60 लोग हैं यहाँ पे। कितने दिन आया इधर में? इधर में 5-6 बारी हम लोग आ चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहली बार 4 तारीख को फॉर्म भरने से पहले भी हम लोग आए थे, तो उन्होंने बोला फॉर्म भर दीजिए, फिर हम लोग 4 तारीख को आए, फॉर्म भर के चले गए, फिर 6 तारीख को हम लोग पता लगाने के लिए आए, फिर उन्होंने बोला कि बाद में देखें, अभी आप लोग जाइए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। फिर आए यहाँ पे, आज भी आए तो SDM साहब से हम लोग मिलना चाहा, फिर यही लोग बोल रहे हैं कि अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। तो बताइए हम कैसे रहें यहाँ पे? यहाँ की सरकार तो हमें कुछ सुविधा दे नहीं रही है, तो कम से कम अगर खाने के लिए नहीं हमें दे रही, कोई बात नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें हमारे घर भेज दिया जाए। यूपी कहाँ पर? घर यूपी हमारा मऊ में है। आप लोग इधर के अगरतला में? मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, यही 3 जगह। बिहार का भी आते हैं हम लोग, अगरतला में गोरखा बस्ती में रहते हैं। गोरखा बस्ती में कितने दिन से रहते हैं? इधर तो आया तो मार्च में ही आया था हम लोग इधर काम करने, पर जैसे लॉकडाउन हुआ तब तो फंस गए। पहले तो हम आए थे काम करने के लिए, मगर जब से हम फंसे हुए हैं यहाँ, सरकार से गुहार लगाई, फ़ोन किया, हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद भी बात नहीं करते लोग, बोलते हैं देखेंगे, ये क्या मतलब है देखेंगे? अरे कुछ तो हमें बताइए, कुछ तो हमें भेजिए, जाना जाने देना चाहते हैं, नहीं जाने देना चाहते हैं, ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे रह के अगर मर जाएँ तभी इन लोग अच्छा है। तिब्रो में किस काम